चीन के तलबा ने जो कराची यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं या जापान के, एक उर्दू में शायरा मुनक़िद किया है, गैर मुल्की लोग हैं तो वो आपकी खिदमत में हाजिर नहीं, जरूरत ही नहीं कर सकते, तो उनकी ख्वाहिश ये है कि आपको सुने मीर साहब, जापान के तलबा जो कराची यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं ये उर्दू पढ़ रहे हैं तो बड़े मुतासर हैं, अगर चाहें जापानी तो हजरत अगर जहमत होगी उर्दू एक मशायरा काम ने तो मीर हैरान बैठेंगे, उर्दू ये कौन सी ज़बान है, ये मशायरा क्या किस ज़बान में है, उर्दू उर्दू क्या मीर नहीं जानते उर्दू ज़बान, यानी उर्दू का लफ्ज़ क्या है, ये तो बहुत बात की बात है भाई, उर्दू आना में इसमें हिंदी भाई, हिंदुई हिंदवी ये भाई उर्दू पर बात का लफ्ज़ है, बहुत ही बात का खाम खा लगा दिए किसने चूतिया में लगा दी, इसका पूरा लफ्ज़ ज़बान उर्दू हिंदी ज़बान उर्दू मौला, हिंदी यानी ज़बान लश्कर आली ये है इसका नाम, हिंदी यानी ज़बान लश्कर आली उर्दू ज़बान लश्कर की, और साहब मीर तकी मीर इनका कहते भाई ये ज़बान मैं नहीं जानता, आप किसी उर्दू के शायरों को बुलाइए ये ज़बान कहाँ बोली जाती है, क्या ये होगा नहीं, ये बिल्कुल वही बात है, ये इनके इलाके की बात कर रहा हूँ मैं, उमराव तारे के ख़ानदान और इलाके के, अगर कोई मीर अनीस से कहता कि हज़रत इमाम बारगाह रिजविया में आपको जहमत देनी है तो वह हकदक रहे थे कि इमाम बारगाह क्या चीज़ है, तो मुझसे क्या आपकी ख्वाहिश है, कोई इमाम बारगाह रिजविया में अगर आप मरसिया इनायत फरमा दें तो इमाम बारगाह से मरसिया का ताल्लुक है, वो हैरान रह जाते भाई अम्बाड़ा खा दिया गया चुतिया पे का। जब इमाम हुसैन के हालात बेहतर हुए और हबीब बैंक ने उन्हें सहारा दिया और चांदी और सोने की जरिए रखवा दिया फिट करा दी खुरासान में, इमाम हुसैन के हालात माजी तौर बेहतर हुए तो इमाम बाड़ा बेचारा इमाम बारगाह कहने लगा, इमाम बारगाह वाइट हाउस भी इतना गुस्सा था, वो इमाम बारगाह कहता माचो जूता मारू, अबे इमाम बाड़ा यानी अनीस परेशान इनसे पूछ लो भाई तुम्हारे अनीस परेशान होते ना होते ये इमाम बाड़ा क्या इमाम बारगाह क्या चीज़ है, इमाम बाड़ा ही लफ्ज़ है, ये 700 बरस पुराना है, कम से कम 700 बरस, इमाम बारगाह की उम्र मेरे ख्याल में 30 बरस की, मेरी भतीजा भाई साले आए रही साहब की लड़की, रही साहब की लड़का तो दो बातों बड़ी हैरान हुई, हमारी भतीजा आई हुई रही साहब की दुर्दाना अफसाने का चाहिएगा ये बात देखिए क्या, एक तो इमाम बारगाह चल रहा है ये क्या, और एक अल्लाह हाफिज़ वो खुदा भी सुनती हुई गई थी अल्लाह हाफिज़ हो गया, और इमाम बारगाह भाई इमाम बारगाह अच्छी जगह तो हो गए भैया बहुत से काम हो रहे और भी होने वाले और साहब यहाँ तो मैं देखता हूँ इनके लिए तो अजीब बात हुई है मेरे लिए कि यहाँ सूरत हाल ये है कि मजलिस में अपर क्लास का आदमी वहाँ होगा ख़ास जगह बैठेगा आवाम बेचारे उधर पा, यहाँ कोई दौलतमंद वहाँ बाड़े हैं सिर्फ दौलतमंदों ही के हैं, तो मैंने अजीब वगैरह वादे की जब कार खरीदी तो सबसे पहले वो शाह खुरातान से गुजरेगी, अच्छा मैंने भाई शाह खुरातान की अहमियत क्या है सिवाय इसके कि वो साला बेईमानी के ज़रिए बनाया गया चोरी का माल है, तो उसमें खसूसियत शाह खुरातान के माल है, तो फैशन गाड़ी जब खरीदें तो पहले वहाँ जाएगी, वहाँ जाएँगे तबरुकन तयमुनन, अब एक और सुना मैंने अम्बाड़ा बुत का अम्बाड़ा देखा नहीं है हाउसिंग सोसाइटी में, यहाँ भी अपर किराए के लोग जाते हैं, तो अब अम्बाड़े में ये हो गया है मजलिसों में कि अपर किराए के लोग आगे बैठे हैं अपने ये जो बेचारे यूँ ही छोट भैया ये बेचारे बहुत दूर, यानी इनका गैर इंसानी सूरत हाल पैदा हो गई है, शाह खुरासान वो वहीं की नमाज़ नहीं कबूल की जाएगी तयशुदा तौर पर, जो नमाज़ शाह खुरासान पढ़ी जाएगी वो बातिल ज़ाय जाएगी, जो सजदा वहाँ किया जाएगा वो सोने को किया जाएगा लाहौल वाला खुद अस्तग़फ़िरुल्लाह, यह अम्बाड़ा खेत का होगा या मसलन नूरानी मियाँ के जहाँ मजलिसें पढ़ते हैं अवामी जो आज़ा खान हैं या नूरानी बरेली पढ़ते वो है आवाम का, ये तो आवामी इदारा था जिसके बानी सुननी है सुननी भी बरेली सुननी, ठीक है बरेली इस तरह नहीं है लेकिन ये आज की बरेली मसला आज का नहीं है, इमाम हनीफा हुआ बरेली, बरेली तो यूपी का शहर है, इसमें बरेली कहने असल में हनफी हनफी मतलब जो सूफी दरगाह नियाज नज़र इसे कहते हैं, यूँ समझिए कि ये तुर्की से लेकर ढाके तक
ये सवाद आज़म कहलाता है, हनफी सवाद आज़म यानी मुसलमानों की अक्सरियत। हम्बली कुछ गिने चुने, शाफई गिने चुने, मालिकी गिने चुने, सबसे बड़ी आबादी है हनफियों की और शियों की, यानी करोड़ों में। मालिकी करोड़ों में नहीं है, शाफई करोड़ों में नहीं है, हम्बली करोड़ों में नहीं है, लाखों में। और असली आबादी है हनफी, यानी करबला में इमाम हुसैन के साथ जो जंग लड़ रहे थे उनकी अक्सरियत सुन्नी थी, जो आज के आज सुन्नी कहलाती है, पर सुन्नी नाम उस पर नहीं था। सुन्नी 256 हिजरी में इस्तेमाल हुआ सुन्नी का लफ्ज़। इमाम हुसैन के साथ वो लोग थे, दो किस्म के लोग थे, एक वो जो हज़रत अली को चौथा खलीफा मानते थे यानी सुन्नी, वो थे 60%, एक थे 40% जो हज़रत अली ही को मानते थे। मसलन ज़ुहैर क़ैन मशहूर शहीद हैं, वो हज़रत उस्मान को तीसरा और हज़रत अली को चौथा खलीफा मानते थे, वो अपने चौथे खलीफा के बेटे के लिए लड़ रहे थे, सीधी बात। यानी अंसार हुसैन में, शहदाए करबला में अक्सरियत हमें भी, मैंने बस पता होता होता है हनीफी की अक्सरियत थी, जो हज़रत अली जिनके हज़रत अली चौथे खलीफा थे वो अपने चौथे खलीफा के जानशीन के लिए लड़ रहे थे। उनमें शिया भी थे, मैं सिर्फ शियान अली, शियान अली उसे कहते हैं हज़रत अली के साथ था, शियान मावे वो जो उनके ख़िलाफ़ थे चौथे खलीफा के, उनके के लिए कोई इस पर लफ्ज़ मौजूद नहीं है, वो सुन्नी नहीं थे ज़ाहिर। भाई जो अली को चौथा खलीफा न मानता हो सुन्नी होगा नहीं, हो नहीं सकता हो। तो ये तारीख अजीब व गरीब है और पढ़ाई जब तक नहीं आ रही है। अरे मुझे बोलने की आदत इतनी है कि शेर तो कहता ही हूँ मैं, मगर ये मसले इस्लामियात के कुछ ऐसे हैं। हाँ नहीं मोहल्ले बहुत छोटे दार हैं, शुरू करो। देखिए आपके इनमें ये आपको हैरत होगी कि मजलिस की जो बाइबिल है वो किताब, जो वो पहली किताब जिसकी बुनियाद पर मजलिस का इदारा वजूद में आया, वो किताब जो बाइबिल है मजलिस की जिससे मजलिस का इदारा ज़ुहूर में आया, और उसका नाम है रौज़तुश्शुहदा, मीर वाइज़ काशिफी, वो हनफी चौराहों पे पढ़ते हैं 9 मुहर्रम को, शिया अंबाड़ों में पढ़ते हैं। असली किताब है रौज़तुश्शुहदा मीर वाइज़ काशिफी की, सुन्नी की, जिसका तर्जुमा मेरे दादा ने किया, वो 25 ज़िले से पढ़ी जाती है हमारे यहाँ। बताइए किसी को खुशा कहना आएगा कि मजलिस की पहली किताब ये शियों को जूते बनाया सुन्नियों ने, ये ताज़ियाबाद सब सुन्नियों शुरू किए, कुरान की कसम ये सारे खेल सुन्नियों को शुरू किए, मैं ये ताज़ियादारी ये मजलिस तो गलत नहीं कर रहा। आप पूरा सर्वे करें ताज़िए सुन्नी उठा दें, उसमें खर्च बहुत आता है, एक हैरान कन बात है। ताज़िया ठंडा हुआ उस पर आपके नेटी जटी पर ख़त्म हो गया ना, 11 से फिर शुरू कर दिया उन्होंने बनाना, एक एक साल चावल का ताज़िया फलां का ताज़िया, वो लाखों रुपये खर्च करते हैं, कौन सुन्नी। आपने कभी सर्वे नहीं किया 10 मुहर्रम का, मैं आदि भी नहीं होते शिया जो उधरते हैं आपके नजदा पार से, असली मज में वो होता है क़यामत का मजमा, वो नेटी जटी तक सजे से लेकर, ये बानी सुन्नी है। यहाँ तैमूर बानी था, तैमूर सुन्नी था, तैमूर हर साल करबला, अजीब तारीख बोल रहा हूँ, तैमूर हर साल करबला जाया करता था, वक्त के साथ साथ उसने फतुहात का सिलसिला शुरू किया, वक्त के साथ साथ उसने फतुहात का सिलसिला शुरू किया। अब वो हर साल नहीं जा सकता था करबला, वो अब क्या हो, तो उसने जहन में एक आइडिया आया कि करबला की छवि बनाई जाए, तो करबला की छवि बनाई गई और वो लश्कर के आगे आगे चलती थी, उस छवि का डिटो नकल मैंने देखी। बाबा जफर ने जाते हुए जब अपने तवरुकात महफूज कराए तो निज़ामुद्दीन औलिया कि बराबर एक अंबाड़ा है जो निज़ामुद्दीन के ज़माने चला रहा है अंबाड़ा, यह भी सुन के आपको हैरत, मैंने तगदा लगा कहा अच्छा, मैं भाई आप दिल्ली में रहते थे या इंडोनेशिया में, भाई हमें तो नहीं मालूम, बाकी बराबर तो वह है अंबाड़ा निज़ामुद्दीन औलिया का, उसमें वो ताज़िया रखा है तैमूर वाला, डिटो बिल्कुल वही है, मैंने देखा, मुझे हसन साइन निज़ामी ने दिखाया, भाई असली ताज़िया देख लो, तो तैमूर ने शुरू किया है ताज़िया बनाना। शिया सालों को आइडिया भी नहीं था, अभी आइडिया नहीं चुती हूँ, गलत नहीं कर रहा भाई, भाई तुम सही है तो माफ़ कर ना, नहीं ठीक, तुम्हारे दादा की बात कर रहा हूँ सामने रह गई भाई, आपको ये बातें लोग बताएंगे नहीं बताएंगे, वाकई भाई सही बात है, चक्कर ही दूसरे